नमस्कार, वेब दुनिया समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज की प्रमुख खबरें। सलमान खान से जादू सीखेंगे आसाराम। नाबालिग छात्रा का यौन शोषण करने के आरोप में जेल में बंद प्रवचनकार आसाराम ने गुरुवार को कहा कि वह फिल्म अभिनेता सलमान खान से जादू सीखेंगे ताकि उन्हें भी जल्द जमानत मिल सके। आसाराम ने आश्चर्य जताते हुए कहा कि मैं 20 माह से जेल में बंद हूं और सलमान को 20 मिनट के लिए भी जेल नहीं जाना पड़ा। जब उनसे पूछा गया कि वह खुद के लिए कुछ जादू क्यों नहीं करते तो उन्होंने कहा कि हमारा जादू हमारे लिए नहीं चलता। महेंद्र चावला पर हमले से जुड़े सवाल पर तो आसाराम बौखला गए और कहा कि दुनिया में सारे हमले मैं ही करवाता। डेविड मिलर के छक्के से फूट गई कांस्टेबल की आंख। आईपीएल मैच के दौरान कोलकाता में शनिवार को मैदान में ड्यूटी कर रहे एक पुलिस कांस्टेबल को किंग्स 11 पंजाब के डेविड का छक्का भारी पड़ गया। गेंद कांस्टेबल आलोक आइच की दाईं आंख पर जा लगी और उसकी आंख फूट गई। दरअसल ईडन गार्डन पर किंग्स 11 पंजाब और केकेआर के मैच के दौरान कोलकाता पुलिस की 5वीं बटालियन के डिप्टी कमिश्नर देवाशीष सरकार के ड्राइवर आलोक की ड्यूटी स्टेडियम के जी ब्लॉक में लगाई गई थी। युवराज सिंह ने अनुष्का शर्मा को छेड़ा। विराट कोहली और अनुष्का का रोमांस अब किसी से छिपा नहीं है। विराट और अनुष्का भी इस रिश्ते को स्वीकारने से जरा भी नहीं हिचकिचाते हैं। अब तो टीम इंडिया के अन्य खिलाड़ी व कमेंटेटर भी विराट को अनुष्का का नाम लेकर छेड़ने लगे हैं। अनुष्का ने इंस्टाग्राम पर अपनी फिल्म बॉम्बे वेलवेट का एक कोलाज अपलोड किया था जिस पर युवराज सिंह ने भाभी लिखकर उन्हें संबोधित किया है। युवी ने कमेंट किया, ओए होए रोजी भाभी, बहुत सुंदर लग रही हो। केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट का झटका, मीडिया के खिलाफ सर्कुलर पर रोक। उच्चतम न्यायालय ने गुरुवार को एक महत्वपूर्ण फैसले में केजरीवाल सरकार द्वारा मीडिया के खिलाफ जारी सर्कुलर पर रोक लगा दी। दिल्ली सरकार द्वारा जारी इस सर्कुलर के अनुसार अगर सरकार को लगता है कि किसी खबर से उसकी साख को नुकसान पहुंचा है तो वह संबंधित मीडिया संस्थान के खिलाफ प्रधान सचिव गृह व कानून विभाग में शिकायत कर मुकदमा दर्ज कराएगी। अदालत ने कहा कि सरकार द्वारा जारी यह सर्कुलर नियमों के तहत गलत है, मीडिया को खबरें प्रकाशित करने का अधिकार है। नोएडा एक्सटेंशन में फ्लैट खरीदने वालों को बड़ी राहत। सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा एक्सटेंशन मामले में किसानों को बड़ा झटका देते हुए कहा कि किसानों को जमीन वापस नहीं मिलेगी। कोर्ट ने इस मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा है। इस फैसले से उन लोगों को बड़ी राहत मिलेगी जिन्होंने नोएडा एक्सटेंशन में फ्लैट खरीद रखे हैं। किसानों का कहना था कि उनसे औद्योगिक इस्तेमाल के नाम पर आपातकालीन क्लॉज लगाकर जमीन ली गई, लेकिन बाद में जमीन बिल्डरों को सौंप दी गई, इसलिए उन्हें उनकी जमीन वापस मिलनी चाहिए। ये थे अब तक के मुख्य समाचार और ज्यादा जानकारी के लिए लॉग इन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com। नमस्कार।